अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल मोहम्मद असरार ऑफिशियल चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के मामले में हो या फिर किसी भी अन्य विभाग के मामले में हो, कुल मिलाकर सभी विभागों के कार्य वहां पर ठीक ठाक चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वादे किए जा रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से एक बहुत बड़ी खबर आपको सुना रहा हूं। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को मैं आपको फुल स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, बाकी आप भी इस जो है ट्विटर अकाउंट को खुद पढ़ सकते हैं। ये बहराइच जिला के अस्पताल में चोरी कर रहा है सांड। हालांकि सुनकर आपको अजीब टाइप का लग रहा होगा कि आखिर सांड चोरी किस तरह से कर सकता है, और वो भी सरकारी अस्पताल में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सदर अस्पताल में। हालांकि ये शब्द बोलने का उनका ये मतलब था कि आखिर सरकारी अस्पताल है जहां पर मरीजों को इलाज करना चाहिए था, डॉक्टरों को जहां पर मरीजों का इलाज होना चाहिए था, वहां पर खुलेआम अस्पताल के अंदर सांड कैसे घूम रहा है और कैसे घुस चुका है। हालांकि इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि जहां पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी की सरकार इस चीज़ का दावा कर रही है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज सरकारी सुविधाओं के तहत अच्छी तरह से हो रहा है, इस चीज़ को देखने के साथ साथ आप क्या सोच रहे होंगे कि आखिर जिस अस्पताल में सांड घुस जाता हो, छुट्टा सांड, और सांड घुसने के बाद जो वार्ड है उन वार्डों में, जो जनरल वार्ड है उन वार्ड में घुसने के बाद ये सांड जो है एक तरह से तहलका मचा रहा है। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी तक इस न्यूज़ को चलाया है, इन्होंने लिखा है मरीजों की शिकायत है कि अस्पताल के अंदर एक सांड घूमता हुआ आ जाता है और उनका खाना खा जाता है। सांड का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में जब हॉस्पिटल के स्टाफ से बात किया गया, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दिए गोलमाल जवाब। वाकई में दोस्तों आखिर इस तरह का जो मामला सामने आ चुका है, किसी भी जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके लिए इस तरह का या इस सवाल का जवाब देना यह आसान बात नहीं होगी। हालांकि जब जहाँ सरकारी अस्पताल है बहुत सारे वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो फिर आखिर इस तरह से खुला सांड वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर घुस सकता है, सवाल या निशान ये उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देख लिया, यूपी का सिस्टम किस तरह है, क्या आप उनके सिस्टम से सहमत हैं या फिर नहीं है, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के एक और लेटेस्ट नए न्यूज को लेकर। जय हिंद।